Good morning class. I'm your science teacher and today I want to explain chapter number 7, motion and measurement of distances. Okay, and you all know that what is the meaning of motion? Motion means a small kind of distraction from your previous place. ये आप कह सकते हो motion का मतलब है अपने पहले वाली जगह से दूसरी जगह तक जाना या चलना. ओके, सो इन दिस चैप्टर टू स्टूडेंट्स आर डिस्कसिंग विद ईच अदर एंड हुज नेम्स आर बूजो एंड पहेली. एंड यू ऑल नो दैट बूजो एंड पहेली आर द फेमस कैरेक्टर इन योर साइंस बुक, है ना? यस. तो एक जनरल डिस्कशन चल रहा है इन देयर क्लास, जस्ट इन आर क्लासेस, जैसे हमारी क्लासेस में हम करते हैं सेम लाइक दिस. ओके, एंड दिस डिस्कशन इज अबाउट द समर वैकेशंस. और ये डिस्कशन किसके बारे में हो रहा है? समर वैकेशंस के बारे में हो रहा है, है ना? एज यू ऑल नो दैट वेन एवर यू स्पेंड योर समर हॉलीडेज यू ऑल वॉन्ट टू गो आउटसाइड फॉर द ट्रैवल, है ना? आपको ट्रैवलिंग बहुत अच्छी लगती है, अलग अलग जगहों पर आप जाते हैं मोस्टली इन लॉन्ग हॉलीडेज में. तो यही सब ये बच्चे भी डिस्कशन कर रहे हैं कि समवन हैड गॉन टू देयर नेटिव विलेज बाय अ ट्रेन, कुछ अपने गांव ट्रेन से गए, एंड सम बाय द बस एंड सम फाइनली फ्रॉम द बुलक कार्ट, है ना? आप अगर विलेज एरियाज में जब जाते हैं आपको देखने को मिलते हैं बहुत सारे तरह के अलग अलग टाइप के व्हीकल्स होते हैं. Sometimes you have seen cycles, bullock carts, horse carts. Many types of carts have been seen in your village areas. Mostly village areas, bullock carts and camel carts are very famous. Okay, तो ये बच्चे भी discussion कर रहे हैं. One student had travelled by an aeroplane. एक बच्चा aeroplane से भी गया. Another spent many days of this. He is holidays going on fishing trips in his uncle's boat. एक बच्चे ने अपने अंकल के साथ बोट में अपनी हॉलीडेज स्पेंड करी. द टीचर देन आस्क्ड देम टू रीड न्यूज़पेपर आर्टिकल्स दैट मेंशन अबाउट स्मॉल व्हील व्हीकल्स दैट मूव्ड ऑन द सॉइल और मास कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट्स. उनके टीचर ने उन्हें छोटे छोटे व्हील्स बनाने को बोले. देखिए छोटे छोटे व्हील्स बनाते हैं ना प्रैक्टिकल्स में, बच्चों से बनाए जाते, कहीं आपने भी ट्राई किया होगा. By the cardboard, ठीक है, कार्डबोर्ड से बन जाते हैं. These vehicles were taken by spacecraft all the way off Mars. Meanwhile, Paheli had been reading stories about ancient India. उसी समय पहेली ने पहले हमारे इंडिया में किस तरह से लोग ट्रैवल करते थे उसके बारे में कुछ स्टोरीज पढ़ने लगी. वो स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट, अभी जो ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैसे डेवलप हुआ इन एंशियंट टाइम, आपको मालूम है एंशियंट टाइम ये जो व्हीकल्स हैं लाइक बस, एरोप्लेन, ट्रेन, कार्स, स्कूटर्स, जब ये नहीं थे ऑन दैट टाइम हाउ कैन वी रीच फार ऑफ प्लेसेस, कैसे पहुंच सकते थे हम, है ना? तो उसके लिए कैसे कैसे हमारे जो एंशियंट एंचेस्टर्स थे उन्होंने कैसे कैसे सफ़र किया, कैसे कैसे नए इन्वेंशन किए. लेट्स रीड इन दिस पेपर. लॉन्ग एगो पीपल डिड नॉट हैव मैनी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. पहले आप लोगों को पता है हमारे जो एंचेस्टर्स थे उनके पास इतने मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं थे. दे यूज टू मूव ओनली बाय द फूड एंड कैरी गुड्स ऑन देयर बैक. मोस्टली वो बेयर फुट ही जाते थे, अपने पैरों से ही दूर दूर तक ट्रैवल कर लेते थे. और इफ़ दे हैव सम गुड्स एंड हैवी आर्टिकल्स तो वो उसे अपने बैग पर ही कैरी करते थे. लेटर ऑन दे बिगन टू यूज़ एनिमल्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन. फिर धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ, उन्होंने एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना सीखा. तो जब उनके पास एनिमल होने लगे लाइक डंकी, हॉर्स, तो वो उनके ऊपर उन्हें कैरी करने लगे. फॉर ट्रांसपोर्ट थ्रू वाटर रूट्स बोट्स वर यूज फ्रॉम एंशियंट टाइम्स. अब जो वाटर बॉडीज से वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे तो उन्होंने धीरे धीरे बोट
का यूज़ करना स्टार्ट किया टू बिगिन विथ। अब ये जो बोर्ड जब बनाने हमने स्टार्ट की, बोर्ड्स वर वेरी सिंपल लॉक्स, छोटा सा एक लकड़ी का टुकड़ा होता था विच अ हॉलो कैविटी, उसमें बीच में एक हॉलो कैविटी, एक थोड़ी सी खोखली जगह होती थी। लेटर पीपल लर्न टू पुट टुगेदर डिफरेंट पीसेस ऑफ वुड, फिर धीरे धीरे अलग अलग लकड़ी के टुकड़ों को उन्होंने जोड़ना सीखा एंड गिव सेव्स टू द बोर्ड, और फिर से बोर्ड का परमानेंट सेव दिया। दीज सेव्स इमिटेटेड द शेप्स ऑफ द एनिमल्स लिविंग इन वाटर। और जो ये बोर्ड का जो शेप था उन्होंने किससे सीखा मालूम है आपको? उन्होंने सीखा एक्वेटिक एनिमल्स से, और जो एक्वेटिक एनिमल होते हैं ना बेटा, उनकी जो बॉडी होती है स्ट्रीम लाइन होती है। अभी स्ट्रीम लाइन बॉडी कैसी होती है, जैसे आपने फिश देखी होगी, देखिए स्ट्रीम लाइन बॉडी जो होती है आपकी ऐसी होती है, देखिए पेन इज नॉट वर्किंग, यस स्ट्रीम लाइन बॉडी में क्या होता है बेटा, ये जो कॉर्नर से ये होता है ना, ये पॉइंटेड होता है, बीच का जो एरिया होता है वो ऐसी होती है ना हमारी फिश, ये है ना, इसे स्ट्रीम लाइन बॉडी कहते हैं। तो इस आपने देखा होगा हमारी जो बोट्स होती है वो ऐसी तो होती है ना, यस। तो इससे इन लोगों ने इंस्पायर होकर बोट बनाई। रिकॉल आवर डिस्कशन ऑफ दिस स्ट्रीम लाइन शेप ऑफ फिश इन दिस चैप्टर 5 एंड 6, चैप्टर नंबर 5 और 6 में आप पढ़ेंगे एक्वेटिक एनिमल्स के बॉडी शेप्स के बारे में। इन्वेंशन ऑफ द व्हील मेड अ ग्रेट चेंज इन मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। फिर सबसे बड़ा रिवॉल्यूशन कब आया, जब व्हील का इन्वेंशन हुआ। व्हील मींस पहिया, ठीक है, पहिया जिसे आप टायर भी कहते हैं। जब ये टायर बना उसके बाद हमारे ट्रांसपोर्ट के मोड्स में बहुत बड़े चेंजेस आए। द डिज़ाइन ऑफ द व्हील वॉज इम्प्रूव्ड ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर, और हजारों साल तक इसमें नए नए इम्प्रूवमेंट हुए। एनिमल्स वर यूज टू पुल कार्ट्स दैट मूव्ड ऑन व्हील्स। फिर स्टार्टिंग में एनिमल्स ये व्हील्स लगे हुए कार्ट्स को पुल करने लगे अंटिल द बिगिनिंग ऑफ 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी की स्टार्टिंग में पीपल स्टिल डिपेंड ऑन एनिमल्स, एनिमल्स पे ही डिपेंड थे मोस्टली हम लोग। बोट्स एंड शिप्स टू ट्रांसपोर्ट दैम फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, और मोस्टली शिप और बोट से ट्रांसपोर्टेशन का काम होता था। द इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ न्यू मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। उसके बाद स्टीम इंजन का इन्वेंशन हुआ जिससे हमारे ट्रांसपोर्ट में थोड़ा सा और ज़्यादा ग्रोथ आया। रेल रोड्स वर मेड फॉर स्टीम इंजन ड्राइविंग कैरिजेस एंड वैगन्स। उसके बाद रेल रोड्स ट्रैक्स वगैरह बनाए गए फॉर द स्टीम इंजन, और उसमें कैरिएजेस लगाए गए पीछे से। कैरिएजेस जैसे आपने देखी है ट्रेन, पीछे से अलग अलग ब्लॉक्स लगे होते हैं ना, फिर उसे पूरा जोड़ दिया जाता है तो एक लंबी सी रेल बन जाती है। तो ऐसे धीरे 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 हमारे ट्रांसपोर्ट्स के मीन्स डेवलप होते गए। ओके चिल्ड्रन, दैट इज इनफ फॉर टुडे, वी विल अगेन रीड दैट चैप्टर इन आवर रेगुलर क्लासेस। टिल देन यू हैव टू read and listen that video and understood what is the initiating point of this chapter. Have a nice day.